हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी वन यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस हवलदार परीक्षा 2023 कंटिन्यूस आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं। आज आपके 20 जून का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो 20 जून सेकंड शिफ्ट एग्ज़ाम में जितने भी जीके जीएस करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का बिल्कुल 100% सही व सटीक उत्तर के साथ एग्ज़ाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आज जिन भी दोस्तों का 20 जून सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, वो सभी साथी इस पूरे वीडियो को ध्यान से एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को अपने शुरू करते हैं, चलिए बढ़ते हैं। तो 20 जून सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन पूछा गया कि शकों को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की। तो शकों को हराकर विक्रमादित्य की जो उपाधि धारण की गई थी, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा की गई थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। इनके बाद इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना गया, जो कि गुप्त राजवंश का राजा था और समुद्रगुप्त का पुत्र। चंद्रगुप्त द्वितीय समस्त गुप्त राजाओं में सर्वाधिक सूर्य एवं विरोचित गुणों से क्या था, संपन्न था। शंकों पर विजय प्राप्त करके उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, वह शकारी भी कहलाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कौन सा एक्ट लागू किया गया था। तो 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लागू किया गया था, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। इसके अलावा पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया, भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया और जो मार्ले मिंटो सुधार है ये 1909 में आया था, ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 1952 ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था। 1952 ओलंपिक खेल का जो आयोजन है वो हेलसिंकी फिनलैंड में आयोजित हुआ था। तो हेलसिंकी फिनलैंड इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। तो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो दक्षिण अफ्रीका इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था, बिल्कुल राइट आंसर करना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मल्लिका साराभाई का संबंध किस नृत्य से है। बात करते हैं मल्लिका साराभाई की, तो इनका जो संबंध है वो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से है। तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था, बिल्कुल राइट आंसर करना था। सेकंड शिफ्ट का अगला क्वेश्चन पूछा गया, पांडव लेनी गुफाएँ किस राज्य में स्थित है। पांडव लेनी गुफाएं ये महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। ठीक दोस्तों, तो महाराष्ट्र का नासिक इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ड्रिबलिंग पासिंग किस खेल से संबंधित है। ड्रिबलिंग पासिंग ये बास्केटबॉल के खेल से संबंधित है और बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की जो संख्या है वो 5 होती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बांग्लादेश की आधिकारिक मुद्रा का नाम क्या है। तो बांग्लादेश की आधिकारिक मुद्रा का नाम है टका। तो टका इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को भारत लाने वाली ऑपरेशन का नाम क्या दिया गया था। तो इस समय जो ऑपरेशन चलाया गया था उसे नाम दिया गया था ऑपरेशन गंगा। तो ऑपरेशन गंगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, संसद में बजट कौन पेश करते हैं। तो संसद में जो बजट है वो भारत के वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो भारत के वित्त मंत्री इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मेंटल के ऊपरी भाग और भूपरपट्टी को क्या कहा जाता है। तो इसे स्थल मंडल कहा जाता है। तो स्थल मंडल इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था, जिन्होंने भी ऑप्शन स्थल मंडल को चुना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कामड़ जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो कामड़ जनजाति के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। तो 13 ताली इस क्वेश्चन का आपको बिल्कुल राइट आंसर करना था। सेकंड शिफ्ट में अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 1820 के दशक में हेनरी लुई किस कॉलेज के अध्यक्ष थे। 1820 के दशक में हेनरी लुई कोलकाता में हिंदू कॉलेज के सहायक हेडमास्टर थे। ठीक है दोस्तों, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, घोंघा किस फाइलम की प्रजाति है। बात करते हैं घोंघा की, तो घोंघा जो है वो मोलस्का फाइलम की क्या एक प्रजाति है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया
अंडमान और निकोबार सहित भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो अंडमान और निकोबार सहित भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की जो कुल लंबाई है वो 7,516.6 किलोमीटर है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जनगणना 2011 के अनुसार आदिवासियों की जनसंख्या कितनी है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में आदिवासियों की जो जनजाति है वो लगभग 10.45 करोड़ हो चुकी है, जो कुल आबादी का लगभग 8.6% है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दोनों ही डाटा मैंने आपको बता दिया, प्रतिशत में और 10.45 करोड़ में भी। ठीक है, तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा, आपको ऑप्शन में किस प्रकार से दिया गया था उस प्रकार से आप राइट आंसर कर सकते थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अल्लाह रखा कुरैशी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अल्लाह रखा कुरैशी ये तबला वादक थे, तो तबला इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत को दो राष्ट्र में बांटने का सबसे पहले सुझाव किसने दिया था? तो भारत को दो राष्ट्र में बांटने का सबसे पहले जो सुझाव है वो जिन्ना के द्वारा दिया गया था, तो जिन्ना इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया अनुच्छेद 51A का खंड क जो अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए माता पिता या अभिभावक है, या जैसा भी मामला हो 6 और 14 वर्ष की आयु के बीच के वार्ड को डैश संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था, तो इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में संविधान के भाग 3 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन भारत की अंतिम जीवित सधीर नर्तक है जिन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो ये है आर मुथुकनामल, ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मुगल काल में मनसबदारी प्रथा किसके शासनकाल में चलाई गई? तो मुगल काल में जो मनसबदारी प्रथा है ये अकबर के शासनकाल में चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि गांव की सभा को क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, जो गांवों में सभा होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ग्राम सभा कहा जाता है। गांव की सभा को क्या कहा जाता है? ग्राम सभा कहा जाता है। तो ग्राम सभा इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। तो आज की इस वीडियो में हमने 20 जून सेकंड शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस कवर कर लिया है। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों को भी दबा के वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट एग्जाम एनालिसिस सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेंगे।